ब्लैक डॉग है और सफेद डॉग है, उनकी तरह होते हैं, उनकी तरह जान है नहीं, पर शायद उसमें 500-700 लोग शाम को आ जाते हैं, थोड़ा आके सब लगा देता है तो शायद ज्यादा कमाता है, तो वो शायद मैं तो कर नहीं पा सकता, मुझे तो नाम पूरे ध्यान, कभी आप दूसरे को सिखा दें तो बोल देंगे प्रवचन में ब्लैक डॉग क्या चीज होती है सर, ब्लैक डॉग तो सर्व मार डंडा बाल भगाते हैं और तुम उसको पीते रहते हो तुम जाना, मगर साधना का क्रम गुरुत्व जीवन विशेषता, इसलिए अगले 25 तारीख को अनन्य साधना भी रखी है, हर हफ्ते में साधना रखते हैं, अनन्य साधना का मतलब है पूरी पौरुष साधना, आप उसके बाद बीमार होकर दिखा दीजिए, साधना लीजिए बीमार होकर मुझे दिखा दीजिए, आप मायूस होकर दिखा दीजिए बाद में, अनन्य साधना लीजिए फिर बताइए मैं आज मेंटली कमजोर हूं, फिर मुझे दिखा दीजिए तो फिर मैं हार जाऊंगा आप जीत जाएंगे, अनन्य साधना का मतलब है पूर्ण अपने आप में पौरुषवान बनना, पूर्ण सुंदरीवान बनना, नारी हो तो सुंदरीवान, उसका जीवन का सौभाग्य सुंदर बनना है, पुरुष का सौंदर्य बनना में पूर्ण पौरुषवान बनना, चौड़ा वक्षस्थल हो, एकदम सीना हो, वक्षस्थल हो, देखे आदमी टक टक लगा के देखता रहे क्या पुरुष है, ऐसे पिपला गाल पिचके हुए हैं, आंखें चश्मा चढ़ा हुआ है, आंखें सिरा दिल गए, उसको पुरुष कहे कि सला क्या कहे मुझे तो फूक लगाए मैं छोड़ तक उड़े, और उम्र क्या 24 साल, अच्छा तुम सर भोपाल से आए हो क्या, क्योंकि भोपाल में 75,000 इंग्रेज रहते हैं, फिर बाहर से उसे मेरे कहीं रहे थे भोपाल में रहते, इसीलिए पूछे क्योंकि भोपाल में रहते इधर रहते इधर रहते, वो मुझे समझते नहीं कि भोपाल में क्या पूछ रहे, फिर काकुश और पौरुषवान रोग रहित, अनंग का मतलब है कामदेव, कामदेव का मतलब है सौंदर्य, मूर्ति का मतलब है सौंदर्य, और हम सौंदर्यवान बनना हमारे जीवन की ड्यूटी है घर में, तुम क्यों इतने फिर भी रहे, कैसे हम कन्वर्ट हों उसके लिए भी साधना है, इसलिए अगले 25 तारीख को उसमें अनंग गति सौंदर्य, अनंग गति सौंदर्य साधना या अनंग साधना का मतलब ये है, ऐसा नहीं है कि मतलब हम बिल्कुल एकदम गोरे बन जाए, मतलब ये है कि वृद्धता से यौवन की ओर अपने आप में चेंज होते हैं, अपने आप में कायाकल्प होने की क्रिया होती है, आप ट्राई करके देख लीजिए, नहीं मैं आपके साथ मतलब बिल्ली भागूंगा कोठी और कहाँ छोड़ भागूंगा, देख सकता हूँ पहले मालूम पड़ गया बिल्ली कोठी बेच रहे बारह में तैयारी आप आगे पकड़ लेना मुझे, मार ही नहीं सकता, संभव में इतने लोग बैठे होंगे तो संभव ही नहीं है, इसलिए आप उसके बाद चार में ट्राई करके देखिए कि आप में कितना चेंज आ रहा है, वृद्धता से जो कि आप बढ़ रहे हैं नहीं बढ़ रहे हैं ये देखिए, उस अनंत साधना से इस साधना के बारे में ये देखिए कि आपकी आंख झुकती है, अब सब की आंख झुकती है कि शत्रु की आंख झुकती है, फिर दो चार महीने आप जरूर देखिए, अगर आप प्रयोग करते हैं मन जाप करते हैं तो अब छोड़ दे घर जाकर बिल्कुल भूल जाए कोई चीज तो मेरे दोस्त भी क्या है, उसके बाद ही मैं तुम्हारे साथ में, उसके बाद ही मैं तुम्हारे शरीर में बल को स्थापन कर रहा हूं इस प्रयोग के माध्यम से, समझ में मतलब तुम्हारे शरीर में ताकत आए क्षमता है, मन जाप नहीं करें तब भी फल मिले, मन जाप में तो 100% मिलेगा, मन जाप नहीं करें तब भी मैं आपको 60-70% तो मैं वही पहुंचा दूंगा आपको, इतने क्षमता में रखता ही हूं, आप सबको कंधे पर बिठा करके चलने की हिम्मत तो मुझे है, और मान लो तो केवल राम लक्ष्मण को बिठाया था, मैं तो आशुष शिष्यों को कंधे पर बिठा के दे सकता हूं, तुम आप मेरे टेस्ट लीजिए, आपको चाहिए मेरी परीक्षा लेनी चाहिए, मैं तो आपकी परीक्षा लेते ही रहता हूं, पर आप ये समझे कोई मत मानिए, मेरी टेस्ट लीजिए, मेरी परीक्षा लीजिए, मेरे ज्ञान की टेस्ट लीजिए, उसके बाद जब आप निश्चिंत हो जाए तो शिष्य बन जाइए, मैं आपको एकदम अंधविश्वास नहीं बनाना चाहता, मैं आपको बातों में जमा नहीं चाहता हूं, मगर मैं चाहता हूं मेरा ज्ञान आप तक फैल जाए, आप तक पहुंच जाए, आप कुछ ऐसा मैं करूं कि जिंदगी में कुछ कर सकूं, जो कुछ आज तक 100 पीढ़ियों तक नहीं हो सका वो हो सके, मैं वो करना चाहता हूं, मेरे जीवन का लक्ष्य वो है, और मुझे उम्मीद है कि ऐसे शिष्य मुझे मिल रहे, समय ठीक आ रहा है मैं ऐसा कर सकूंगा, अब भरोसा होने लगा है मुझे, अब मुझे विश्वास होने लगा है, भरोसा पहले भी था, मैंने कहा समय की बात है, समय होता है तो भी अच्छी व्यक्ति से भेंट होती दिन में, समय खराब होता है तो किसी दुष्ट व्यक्ति से भेंट होती दिन, मन बड़ा ज्ञान से भर जाता है, दुखी हो जाता है कि क्यों इस आदमी से भेंट की, यह तो एक समय की बात है, मगर मैं उस समय पर उस तुम्हारी समस्याओं पर, उस बाधाओं पर, अड़चनों पर, कठिनाइयों पर, कष्टों पर, ऋण पर, रोग पर विजय प्राप्त करने की क्रिया करवा रहा हूं, खाली आपको नहीं बिठाया है, और मंत्रों के माध्यम से करवा रहा हूं, जो कुछ होगा और जो कुछ होता है मंत्रों के माध्यम से ही होता है, इसलिए विज्ञान भी अपने आप में परास्त हो जाता है, फिर उन्होंने अखबार में पढ़ा था गणेश दूध पी रहे और आप लोगों ने पिलाया है, और विज्ञान के पास उत्तर है ही नहीं, ये कैसे पी रहे हैं, क्या हो रहा है, दूध कहां जा रहा है, कैसे हुआ, विज्ञान वालों को पूछते हुए कि वी डोंट नो हाउ इट पॉसिबल,
और यहाँ इंग्लैंड में भी रहे थे, टेलीफोन वहां से भी आए थे, अमेरिका से भी आए थे, हिंदू तो वहां भी रहते, आधा इंग्लैंड तो गुजराती से भरा हुआ है। और सबने बुलाया, बोले गुरु जी गणेश दूध पिलाते रहो, तुम चिंता मत करो, मेरा पेट भर जाए तो चिंता बस, बाकी बचे तुम भी लेंगे। गुरु जी को समझ पिला दिया, 5 मिनट पिला दिया, उनके साइंटिस्ट भी उनको नॉलेज नहीं आ सकती। और मैंने किसी बार पत्रिका में छापा है, मैंने छापा अगली बार मैं ये प्रयोग करके दिखाऊंगा आपको, सीधा समझो प्रयोग करा इस बार गणेश जी, ये विज्ञान को चुनौती दी है, अगली बार और चुनौती दे रहा है, आप पत्रिका में पढ़ लें और फिर उस तारीख को मुझे देख लेंगे ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है, तब मैं आपको सही करूंगा, तब मैं आपको सही बात बता रहा हूं। उसके बाद दूध क्यों पी रहे, आज क्यों पी रहे, उस दिन क्यों पी रहे थे, ये विज्ञान का एक जवाब था। अब वो समय आ गया जब विज्ञान को जवाब दे सके, काल भैरव साधना के माध्यम से भी, अन्य साधना के माध्यम से भी और अन्य साधनाओं के माध्यम से भी अपना कर्तव्य अपने परिवार की रक्षा करते हुए हम साधना में भाग लें। इच्छा हो तो ले, आपको फोर्स बनी करो, आपको अच्छा लग रहा है तो गुरु मान लीजिए, मत लीजिए दीक्षा, छोड़ लीजिए मुझे, मैं इस बार तुम्हारे पीछे पीछे मैं भागने वाला नहीं हूं। अगर तुमने प्यास जगे तो तुम दौड़िए आइए, मैं तुम्हें बिल्कुल ठंडा और शीतल निर्मल जल पिलाऊंगा, ये दरवाजे 24 घंटे खुले हैं, ये ठंडी मैं अलग नहीं हूं तुमसे, तुम अलग हो सकते, मैं तुमसे अलग नहीं हो सकते। एक बार जिसको शिष्य बना दिया, जीवन भर के लिए बना दिया, अब तुम कितने जुड़ सकते हो, शिष्य का मतलब भी जुड़ना, और संस्कृत में पाणिनि के श्लोक में लिखा है शिष्य का मतलब है आधे के पास इतना गुरु के पास चले जाना कि बीच में से हवा भी नहीं जा सके, शिष्य उसको कहते हैं कि तुम्हारे प्राण मेरे प्राण इतने जुड़ जाए कि हवा बीच में ट्रांसफर नहीं हो सके, हवा जा नहीं सके, मेरे पैर में कांटा चुभे तुम्हें रात भर नींद नहीं आवे, तो सुन समझो तुम शिष्य हो, और तुम दुखी हो और मैं यहां नींद खाना खा लूं तो बेकार है मुझे, फिर बेकार है, फिर मुझे गुरु कहना नहीं खाती है, तुम तकलीफ हो तो मैं गुरु कैसे मिल सकता हूं, तो तुम्हें तकलीफ दूर नहीं कैसे, मैं तुम्हें क्यों खड़ा हूं तुम्हारे सामने, मैं अपना पेट पालने के लिए खड़ा नहीं हूं, पेट पालने की सांस नहीं ले रहा, मैं जीवन का उद्देश्य, मैं जीवन का लक्ष्य, मैं जीवन का चिंत्य है, और वह इच्छा जरूर पूरी हो जाएगी, अब हो जाएगी, अब विश्वास होने लगा है, और मैं आपको करके दिखा दूंगा, और मुझे मालूम है कि इच्छा मृत्यु किसे कहते हैं, ये मुझे ज्ञान है कि इच्छा मृत्यु को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, उस साधना को कैसे संबंध किया, मैं की चुप कर चुका हूं, मृत्यु मेरे आदमी लगा सकते हैं, संभव नहीं है, मिल सकती है, मिलते तो कई बार हफ्ते में एक बार मिल जाते, सड़क पर थोड़ी गाड़ी ट्रेली चलाऊंगी तो बिल्कुल ट्रक वाला सामने बिल्कुल सीधा छाती पर पंजाबी आकर के आए, अरे पुत्र, अरे पुत्र मैं कहां से पुत्र हो गया तेरे भैया, अच्छा भैया ये मृत्यु पास में निकल जाए आती कोई नहीं आती, इसलिए इस बात की चिंता नहीं करो, अभी नहीं मरा अभी 40 साल और मैं मिलने वाले गारंटी के साथ में, ये तो चले मुझे 40 साल तक कुछ बिगड़े नहीं है, कुछ हो नहीं सकता, यह तो मैं आपको काल भैरव क्या चीज है इसे डरने की जरूरत नहीं है, उसके लिए चित्र की भी जरूरत नहीं है, इसके लिए कोई भयावना कोई शब्द नहीं है, कोई भयावना साधना भी नहीं है, घर में बैठ करके साधना को संपन्न कर सकते हैं, इसलिए उस प्रयोग को मैं संपन्न करवा रहा हूं आपके सामने। सबसे पहले हम गणपति को स्मरण करते हैं, सभी शुभ कार्यों में गणपति को स्मरण किया जाता है, और उसको आज जोड़ दीजिए और पूर्ण श्रद्धा के साथ जो भी काम करें पूर्ण श्रद्धा के साथ करिए, दो शब्द हैं तर्क और कुतर्क, तर्क का मतलब जिज्ञासा, जो आपकी जिज्ञासा हो आप मुझे पूछ लीजिए बाद में मैं बताऊंगा, कुतर्क को तो भगवान ही नहीं समझा सकते कि सब आपने क्या कपड़े पहने होंगे, सफेद सफेद आपने क्यों पहने, आज अच्छा है सफेद पहने तो सफेद ही क्यों पहने, पर मेरे पास सफेद ही थे सफेद पहन लिए, तो मैं कुर्ता ही क्यों पहन लिया, भाई कुर्ता पहन लो क्या पहनो, तो फिर कुर्ते की जगह आप पहले बनियान नहीं पहन सकते थे क्या, तो बनियान नीचे पहने हुए तो बनियान ऊपर क्यों नहीं पहन लिया, अब कुतर्की को मैं कहां समझाऊंगा, ये तर्क और कुतर्क दो शब्द होते हैं, कुतर्की का मतलब है जो छिद्र करने वाला यूजलेस टाइप अपना सामने वाला बराबर करने वाला उसको कुतर्की कहते हैं, तर्क जो आपकी जिज्ञासा है मुझे पूछेंगे, काम करें श्रद्धा के साथ करेंगे, सुनकृष्ट्रुक्टोनाशोनायकुणाक्षोभाजिंद्रुजानी
सर्व विघ्न हर तस्मै गणाधिपतिम श्रीम महागणाधिपतिम लक्ष्मी नारायणाम जन्म उमा महेश्वराब्जन्म शुचिपुरमराब्जन्म मातृपुत्र चंद्रमे ब्योम इष्ट देवता ब्योम कुल देवता ब्योम ग्राम देवता ब्योम स्थान देवता ब्योम वास देवता ब्योम वाणी अनुग्रहाब्जन्म शुचिपुरमराब्जन्म सदेभ्यो देवेभ्योम सर्वेभ्यो ब्राह्मेभ्यो नम तत्वादि शिखाबंधन चोटी की गांध लगा दीजिए मानस तो कुछ नहीं मान आयुष मान रोख मान अश्रुत मानो भी अनुभव स्वाभा मे स्वस्थ तिलकम कृत्वा तिलक किया हुआ फिर भी लाख पर आ सकती नो सुंदा सस्मूर्त सस पादा स्वरूपावे सस नाम में पुरुषा ऐसा सुटे सस कोटि उधार नहीं नम तत्प्रादु संकल्पम कुरियात दाई नाथ आगे रखिए जल है जल लीजिए नहीं है तो आप ऐसा सोचिए उसमें जल है हिमालय के ऊपर बिठा के साधना कराऊंगा तो उसमें या रेगिस्तान कराऊंगा तो कुछ जल ठेका नहीं है ये भावना है कि इसमें जल है बस क्यों ओम विष्णु 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 नाथ पशु बद्रिंग शालिमान साके बुद्धा पश्चिम से समुद्र गोस्म कभी महर्षि महर्षि सुंदर प्रसन्न सप्ताह पश्चिम पश्चिम पापना श्रीकाश नारायण सकल मन शुभ कामना सिद्धतम लोके वासन भय राज द्वारे सर्वत्र यशा विजय लाभादि पाद स्वभाव से सपुत्र से सबानी से अखिल कुटुंब सत से सो समस्त भय व्याधि जरा पीड़ा मृत्यु प्रहार द्वारा आयु आयु था मन अनु गोत्र पुण्य हम अपना गोत्र उच्चारण करिए मेरी जाति उच्चारण करिए अनुप शर्मा हम तुम नाम बोलिए ताम पूर्व काल भैरव साधना आपके सामने इसको ऊंचा उठाइए बल बुद्धिशास्त्रता प्राप्त निमित्तम यज्ञ भगवतम जी परमेश्वर से निमुक्ता देवता धान होगा यज्ञ भगवतम प्रदम भगवतम प्रजापति सजन प्रसाद आयुष मुगम प्रतिबंध शब्दम यज्ञ भगवतम बलते जलस्थान से गले में पहन लेना है या इसको डबल करके पहन लेना जैसे भी अच्छा टेन गले पहन लो तो भाई ना राइट हैंड मिला लीजिए ये तो एक तरीका होगा दूसरे जैसे आपने ऐसे सीधा डबल कर गले में पहन लो बस बस राइट एकता मैं जीवता फिर त्याग किसे सोते था सुखम तो त्रादु काल भैरव पूजिए अब काल भैरव को मैं ध्यान करता हूं काला भ्राव्रांतवम भवति भवनम पूर्वमयि भैरवाय सहित सहित पूर्णताम चैतुल्यम शत्रुताम भवना स्वरूपम विजितम भवतम सदैव पूर्व सिद्धि प्रदम भवताम सदैव तुम भैरवायुतुभ्यम मेरे जीवन में समस्त प्रकार के भय दोष दुख दारिद्र कष्ट पीड़ा घबराहट और चिंता तनाव और समस्याएं दूर कर आप हरदम मेरे जीवन में रक्षा कर सकें और मैं जीवन में पूर्ण पुरुषार्थ प्राप्त करते हुए आगे बढ़ सकूं इसीलिए मैं आपको हृदय से प्रणाम करता हूं इस प्रकार तत्रा दुष्म भैरव अंदर तो स्वामी शक्ति माली राती माला आपके सामने उस माला को दीजिए और माला को आदमी लेके घुमाएंगे जिसे माला को सिद्ध करना चाहता हूं माले माले महामाये सरस्वती स्वरूपिणी चतुर्वर्ग स्थित सुमान में सिद्धि दाम हुआ ताम पूर्ण सिद्धि प्राप्त निमित्त मनु शिष्यम पूर्ण प्राप्त निमित्त महामाले शांतभ्यम संपर्क दे इस माला को गले में धारण कर लीजिए अब यंत्र को आदमी लीजिए बाएं हाथ में लीजिए लेफ्ट हैंड वो आपका लेफ्ट हैंड है इस साइड का लेफ्ट हैंड है प्लास्टिक हटा दीजिए और यंत्र गुटिका को निकाल दीजिए जलम पक्षी पर इसके ऊपर जल चढ़ाइए सर ओम वर्णश्योतम मनवसी वर्ण श्री भगनी स्थो भविष्य वेद सदंसी भविष्यमासी तथा दो पय स्थान स्वरूपान प्रसन्न बदी स्थान बदी स्थान के गतस्थानम गतस्थान के मधुस्थानम मधुस्थान सरकरा स्थानम सरकार पंचम स्थानम ओम पंचवदिया सरस्वती मधु सरस्वती पंचवासु देशी वसुदा पंचम स्थानम समर्पया तथा दो गंगे च यमुने चीवर गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जल सिंधि कुरु तथा दो पूर्व जलम प्रक्षेप ओम शुद्धवाला सर्वशुद्धवालो मणिमालस्त आसना श्वेता श्वेताक्षो विष्णु रुद्राय पशुपत कृणाम जावाम अवलिप्ता शिरोद्रम विवाह सुधीर स्नान सुनवाम एक दुपट्टे से पहुंच लीजिए इसको आपका दुपट्टा है शुद्ध फिर इसके ऊपर सीधा रखिए ऊपर लिखा हुआ काल भैरव इसे सीधा रखिए वो सामने ऊपर लिखा हुआ काल भैरव अब उसके आपके साथ कुंकुम है कुंकुम पहले बीच में बुंदी लगाइए इसकी मध्य में
तदु काल भैरवा समस्त रोग सुनवानाथम संपद दे सेंटर में अब ऊपर की ओर जहाँ काल भैरव मंत्र का वहां पर मिलेगा जी तत्व समस्त रोग निवानार्थम सब रेल विमान रेल निवानार्थम सब पुनित प्राप्त नूतन सात व्यम संपद दे दूसरे बिंदु ऊपर लगाइए ऐसे नीचे की ओर बिंदु लगाइए समस्त सुख सौभाग्य धन धान्य यश प्रतिष्ठा ऐश्वर्य प्राप्त नूतन इंद्रा शांत व्यम संपद दे नीचे की ओर बिंदु लगा दी बाई और मतलब वो बाई और आपका उधर बिंदी लगानी किनारे की ओर ताम पूर्णतम पौरुषम प्राप्त निमित्तम सत बिंदु काल भैरवाय उधर उत ब्रह्म संपद दे फिर इधर लाइन में इस साइड में दूसरे में तम पूर्वाय समस्त प्रत्यक्ष दर्शनम वो शत्रु नाशाय नाशाय ताम समत्तु सा पूर्वाय समस्त राजित द्वारा विजय प्राप्त है प्राप्त है मनोमांसित कामना सिद्धाय सात ब्रह्म संपद दे बिंदी लगा दीजिए ये पांचों बिंदी लग गई अब दोनों उंगलियों से कुमकुम दीजिए ओम तत्वारु समस्त तपुवार समस्त देवताभ्यो समस्त द्वासम ताम हेतु स्वयं पंचावन द्वासम बावन भैरव इसका मतलब बावन भैरव बावन भैरव आया सात ब्रह्म पूजिता सब सब जगह कुंकुम लगा दी पूरे यंत्र के ऊपर ताम हेतु स्वामी सफल देश मंदिर में कुंभ मने सस्ती इंद्र विश्वास में पूजा विश्वविला साक्ष अर्श मनु सब वस्तु दातु तत्त्व विश्वास में तिलकों कत्वा बीच में से यंत्र में से तिलक लेकर के अपने दांत पर लगा देना यूं लेकर के लगा देना ठीक अब इस यंत्र को मैं आपके शरीर में छोड़ दीजिए यंत्र को दाएं हाथ में पकड़ना है राइट हैंड आपका वो है यंत्र को ऐसे पकड़ना है एक किनारे से मैं आपके शरीर में यंत्र को मतलब भैरव को स्थापन करना चाहता हूँ जिससे आपके शरीर में बल बुद्धि सास आ सके जहां जब यंत्र लगू वहां वहां आप भी यंत्र लगाए स्वस्थ महामस्त मस्तिष्क रक्षा शाम को जाते हैं तो स्वामी बता दू ललाटे अक्षमता पूर्व भाग्य रक्षा हो तो स्वामी शक्ति नासिका अक्षय सा पुरुषम घान शक्ति पुरातु सती मुखे सा मुखता पूर्ण भाग शुद्धि पाता नूतम सा भैरव तुद्धि संप्रदे चिवगम हे तो स्वामी शक्ति कल्याणता दिवस ही ग्रीवायाम तादु वाग्दे सशुक्ति सा मित्र सा तुद्धम संप्रदे तथा क्षिस्थलम ये तो स्वामी सावत पूरा तो संत बृहस्पति तथा हवे चाहे खड्डा सा है हवे सा पूर्णतम बृहस्पति रूढ़ भैरवाय सावत बृहस्पति अनुपूर्ण भैरवाय पेट पर अनुपूर्ण भैरवाय सात तथा तो नाभि नाभि सा ब्रह्म भैरवाय सा पूर्ण तो ब्रह्म बृहस्पति तो जंगायाम ये तो स्वामी सा गंगा पूर्ण बल बुद्धि सा पुरुष स्वामी तुपति दो अस्ते न पूर्ण सौरस पुरुषाय तथा दो स्वस्थ स्वामी पूरा तो ब्रह्म संपदे पृष्ठ तो स्वाम पूर्ण पृष्ठता वासी का तो ब्रह्म मृतम बोलती समस्त शरीर जो समस्त भैरवाय ये तो स्वामी सात व्यम संपद दे अब इस यंत्र को सामने रख दीजिए नीचे फिर गुटी का हाथ में लीजिए बाएं हाथ में लीजिए दाएं हाथ में इसको तिलक करिए समस्त रोग शोक दुख दारिद्र्य कष्ट पीड़ा निवारणार्थम सर्व क्लेश निवारणार्थम दुख निवारणम दुष्ट निवारणम सर्वत्र बाधा निवारणार्थम तम सत्व निवारणार्थम सा सुख सौभाग्य धान्य तम सर्वद्य पूर्वाय तो स्वामी काल विजय प्राप्त निमित्तम सत्व्यम संपर्क दे इसके ऊपर गुटका लीजिए अब इस यंत्र को अपने हाथ में लीजिए यंत्र के ऊपर गुटका रख दीजिए और दोनों हाथों में यंत्र ले लीजिए ऐसा अभी गुटी में गुड़ करिए उसके ऊपर अंगूठ रख लीजिए अब मैं आपके मंत्र बोल रहा हूँ शक्ति पाठ कर रहा हूँ शक्ति पाठ का मतलब है आप मेरी आंखों में देखेंगे मैं आपकी आंखों की तरफ ताकूंगा ये मतलब है ये इंद्र आपके सामने रहेगा बिल्कुल मेरे तरफ देखेंगे ओम पूर्ण पुरुषाम तो स्वामी शक्ति कल्याण चिंतन स्वामी गुरु भैरवाय समस्त बदलाया स्वामी काल भैरवाया चिंतन भैरवाय भैरवाया स्वामी चिंतन चिंतन अंकम चिंतन तम बिंदुराय मदय 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 जागे जागे त्रोटा त्रोटा दीपम दीपम पाम दिन भूम पावती पूर्णम खान की खूंखी चिंता शान श्री सुशुपाली चाहिए समस्त भैरवाय समस्त रोग शोक दुख दायक कष्ट पीड़ा निवानार्थ मैं मनोवांछित कामना सिद्धाय सामुक गोत्र हम अपना गोत्र बोलिए अमुक शर्मा हम अपना नाम बोलिए समस्त परिवार समस्त पुत्र पौत्र उच्छिन्न धारा प्राप्त समस्त मनोकामना सिद्धाय सा पूर्ण पुरुष ऋतु स्वामी पूर्ण भैरव पूजनांत सा मंत्र पूजनांत स गुरुमुख मंत्र प्राप्त सात व्यम संपर्क दे अपने दोनों आंखों पर लगा दीजिए और यंत्र को सामने रख दीजिए सब दे दिया मंत्र आपको मंत्र दे दिया होगा आप मंत्र आपको सामने लिखा हुआ है पहले मैं समझाऊंगा कि बोलना कैसे है बस
आप बोलोगे नहीं, ओम में म आया, इस ओम दो 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 ध्वनि होती, ओम दो ओम म, ओम म बोलना, ओम ब्रह्म, ये ब्रह्म है, ब्रह्म भैरवाय फट, ये मंत्र है सीधा सीधा छोटा सा मंत्र है, मगर इसका बीज ब्रह्म है, इसलिए इसको शुद्ध बोलना जरूरी है। यानी बीज का मतलब है, यूं समझ लीजिए कि ये साल नीम का पेड़ इतना लंबा चौड़ा है, इसका बीज आज से 5 साल पहले इतना छोटा सा बीज था जो मुझे इस दोनों इतना आ जाता था, फिर जब मैंने उस बीज को डाला तो आगे जाकर इतना बड़ा नीम का पेड़ बन गया। तो पूर्ण भैरव के संपूर्ण विधि विधान का जो बीज है वो ब्रह्म है, ब्रह्म, बी आर ए एच एन, ब्रह्म। अब मैं मंत्र बोल रहा हूं, आप मेरे साथ बोलेंगे, 3 बार बोलूंगा, बोलिए, ओम ब्रह्म भैरवाय फट, ओम ब्रह्म भैरवाय फट, ओम ब्रह्म भैरवाय फट, तत्रादो पूर्णतो सिद्धिं प्राप्तायसा तुभ्यं संप्रदे तत्रादो गुरुं प्रार्थयेत। पूजन के बाद में गुरु प्रार्थना करती होती है। गुरु ब्रह्मान् गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् ब्रह्मा तस्मै श्री गुरु शंकरं नमः। ध्यान मूलं गुरु मूर्तिः पूजा मूलं गुरु पदं मंत्र मूलं गुरु वाक्यं मोक्ष मूलं गुरु कृपा तत्रादौ पूर्णतम गुरु पापेन सा नमः समस्त गुरु एतौ स्वानं स्नानं कुर्यात् स्नान्ते पय दुर्जय रजसा प्रति सन्निबन्धं स्नानं संप्राय संप्रायते तत्रादौ पुष्पहारं संप्रायन्न पुष्पं संप्रायन्न पुष्पान्ते धूपं धूपान्ते दीपं दीपान्ते नैवेद्यं पूर्वं ताम्रं ताम्रान्ते प्रदक्षिणां दर्शनं दक्षिणां संप्रायन्न दक्षिणां पूर्णा पुषया गुरु मंत्र उद्यात बोलो ओम परम तत्वाय तो गुरु दीक्षा दे रहा हूं ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। तत्रादु गुरु प्रार्थितः आज प्रार्थना करें, तमेव माता च पिता तमेव तमेव बन्धुश्च सखा तमेव तमेव विद्या तमेव सर्वम् शक्तिकाय पूर्ण गुरुत्व प्राप्त निमित्तम पूर्ण भैरव सिद्धि प्राप्त निमित्तम सतुभ्यम संपदवे। दोनों हाथ खोलिए, मैं आपको आशीर्वाद दे रहा हूं। मंत्रार्थ सफला संतो पूर्णाम संत मूर्धा सतनाम विनाशोस्तु मित्राणाम स्वामी ब्रह्मवाक्यस्थान के मनंती तस्तवान अक्षान मनंती इंद्रा चत्वारि लक्ष्मी आयु बुद्धि यशो बलम श्रीवशमाश्यमारोग्यम धान्यम धनम पुष्पतुलाभम सत्संग्रम गुरुमा युग्मा पितुमा सुकुमा लक्ष्मण भव। अपने लाख को सिर पर लगा दीजिए। अब इसके नियम समझा देता हूँ, एक दो चुनाव में आप इस यंत्र को सुगुटिका को अपने पूजा स्थान में रख सकते हैं। जो भी आपका पूजा स्थान हो, मेरे पूजा स्थान हो तो जो पवित्र स्थान हो वहां रख दीजिए, किसी आले में किसी अलमारी में किसी जगह में वहां रख दीजिए। उसके बाद आपके गले में जो माला है इस माला से मंत्र जाप करना है, इस एक माला रोज मंत्र जाप करना है इस मंत्र की। इसमें मुश्किल से आपको 8-10 मिनट लगेंगे, अभ्यास होने पर 6-7 मिनट लगेंगे सिर्फ। उसमें आपको ओम ब्रह्म भैरवानि 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 ऐसे करना है। इसके अलावा आपको कोई लंबी जुड़ी बात नहीं। फिर माला आप चाहे पूजा स्थान रखिए या दुर्गता में रखिए, तो दोनों में से जो भी आपकी इच्छा हो वैसा आप कर सकते हैं। इसके सामने अगर दीपक लगाने की इच्छा हो तो केवल तेल का दीपक लगता है, घी का दीपक भैरव पूजन के नहीं लगता। इसलिए कभी आप नहीं हो और कभी मंत्र जाप नहीं कर सके तो घबराने की जरूरत नहीं है। कोशिश करिए कि 4 माला गुरु मंत्र की हो और 1 माला भैरव मंत्र की हो। इसमें कुल 101 मालाएं होनी चाहिए। एक से एक दिन में करें या एक में 2 मालाएं करें, पर 5 मालाओं से ज्यादा नहीं कर सकते, एक दिन में इससे ज्यादा पच नहीं सकता। ज्यादा से ज्यादा भैरव की आप 5 माला कर सकते हैं, जैसे 3 सुबह करते 2 रात को करते, ऐसा आप कर सकते हैं। पर कुल 101 मालाएं होनी चाहिए। जब भी माला करें तब पैंट वेंट नहीं पहनी हुई हो, धोती पहनी हुई हो और ऊपर कोई वस्त्र नहीं हो, केवल दुपट्टा हो और सर्दी लगे तो कंबल ओढ़ लें। इसमें ऐसा नहीं काला कंबल होना, काले कपड़े होने चाहिए, सिंदूर का तिलक होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। सीधा यंत्र के ऊपर कुमकुम लगी है, मंत्र सिद्ध किया हुआ है, यंत्र सामने है और गुटी का सामने है। बस ये डालना कि चूहा गुटी का को नहीं ले जाए, क्योंकि चूहे होते हैं गुटी का कई लोगों की जाती है, इसलिए बिल्कुल नहीं रख सकते गुटी का खासतौर से। और यंत्र तो पड़ा ही है इसलिए, और गन्ने घबराने की और गन्ने की इसमें कहीं कोई जरूरत नहीं है। इसलिए रोज आप 1 माला करें,
तीन माला करें या पांच माला करें, बस खत्म। इससे ज्यादा एक दिन में ज्यादा पूरी नहीं कर सकते। यदि कभी नहीं करें तो आप नोट रखें भाई आदमी किए तो बस कुल एक से माला होनी चाहिए मोटे मोटे हिसाब से, चाहे आप 30 दिन में करें चाहे उसे एक दिन में करें, इसके लिए समय का बंधन नहीं कुछ नहीं है। मगर जब भी करें शुद्धता के साथ करें, सात्विकता के साथ करें, पूर्ण विश्वास के साथ करें और उसके बाद में पहले या लास्ट में गुरु पूजन करें। गुरु चित्र हो ऐसा हो कि लोगों ने उसे माला हो जिसकी आप उसकी पूजा कर सकें, उसको स्नान करवा सकें, उसमें कुमकुम लगा सकें। ये जो चित्र दूसरे कपड़े का होगा तो गल जाएगा, इसलिए ऐसा चित्र अगर आप चिंता हो आप लें और उसको घर में स्थापन करें, पूजा स्थान रखें या ड्राइंग रूम में रखें या जहां में शुद्धता के साथ रखें वहां रखें, जब आपकी अगर इच्छा हो वैसा करें। इस समय में कैसेट है, आप आज कैसे तैयारी कल या परसों आप चाहें तो ले जा सकते हैं, क्योंकि इसमें पूरा विधान मैंने बोला है, पूरा मंत्र बोला है, तो आपके लिए आने वाली पीढ़ियों के लिए ये यंत्र और ये जो ज्ञान सुरक्षित रह सकेगा। चाहे तो आलिस चाहे तो ले सकते हैं, साथ होगी मैं एक बार फिर आपको आरती करूंगी, पर मैं आपको एक बार हमेशा आशीर्वाद देता हूँ कि आपके जीवन में सर्वत्र मनोकामना पूर्ति हो और अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे, ऐसा ही मैं आपको हमेशा आशीर्वाद देता हूँ, आपके कल्याण कामना करता हूँ।